सिवान पुलिस ने 2 लाख के नामी बदमाश गोलू सिंह और फंशु सिंह को एसटीएफ, डीआईयू और पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। इनको बिहार नेपाल के समवर्ती इलाके से गिरफ्तार किया गया। जीबी नगर थाना में डीएसपी प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार नेपाल समवर्ती इलाके से 15 अगस्त को गोलू सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार गोलू सिंह जी जीबी रोड थाना क्षेत्र के माधोपुर का रहने वाला है। डीएसपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि गोलू सिंह के पास से देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, 234 ग्राम स्मैक, 637 ग्राम चरस और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए। डीएसपी ने कहा गोलू सिंह के ऊपर अलग अलग थाने में कुल 21 मामले दर्ज और उस पर 2 लाख का इनाम भी घोषित है। सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 15/8/24 को गुप्त सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ की टीम और सिवान डीआईयू की टीम और थाना स्थानीय थाना के पदाधिकारी अब्लिक पुलिस बल के द्वारा यहां जीबी नगर थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधकर्मी, जिन पर करीब 21 कांड दर्ज हैं और भी कांड हो सकते हैं जिन्हें अन्य अगल बगल के जिला और इससे पता कराया जा रहा है, इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर जीबी नगर थाना में पदाधिकारी और टीम के द्वारा लाया गया, जिनके द्वारा अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में अपराध को कबूल करते हुए इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व के अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार, अवैध हथियार घर पर ये छुपा के रखे हुए हैं, जिसके आधार पर रात्रि में छापामारी की गई पुलिस बल के द्वारा, जहां से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और करीब 600 ग्राम, आधा किलो से ज़्यादा सूखा चरस और 50 पुड़िया चरस, एक और चरस, बरामद नशीला पदार्थ बरामद की गई है।